बच्चे यहाँ पर इफ वी टॉक अबाउट इट यू शुड बी क्लियर रिगार्डिंग दिस सेक्शन दैट हमारे पास तीन तरह की इकोनॉमीज होती हैं, दैट इज व्हाट द कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। अगर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे प्लीज इसको इकोनॉमिक सिस्टम लिख दो, ब्रैकेट के अंदर लिखो इकोनॉमिक सिस्टम। आप इसको क्या बोलते हो? यू कॉल इट एन इकोनॉमिक सिस्टम हेयर। इज दैट क्लियर? सो लेट अस अंडरस्टैंड द कॉम्प्रिहेंसिव, इनको कॉम्प्रिहेंसिव व्यू से हम लोग चेकआउट करते हैं और हम इनमें देखते हैं कि तीन तरह की इकोनॉमीज होगी। एक होगी कैपिटलिस्ट, एक होगी सोशलिस्ट और एक होगी मिक्सड इकोनॉमी। सबसे पहले कैपिटलिस्ट देखो बच्चे, कैपिटलिस्ट के बहुत सारे नाम होते हैं तो प्लीज स्टार्ट नोटिंग द नेम्स। आप लोग लिखो यहाँ पे फ्री इकोनॉमी, एवरीबॉडी नोट डाउन फ्री इकोनॉमी। फिर लिखो लेजिस्फेयर इकोनॉमी, लेजिस्फेयर इकोनॉमी, LASESZFAIRE, लेजिस्फेयर इकोनॉमी। फिर लिखो मार्केट इकोनॉमी। बच्चे लेजिस्फेयर इकोनॉमी वन मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी नोटिंग इट डाउन। लेजिस्फेयर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ तो यू हैव टू नोट डाउन द मीनिंग। गवर्नमेंट प्ले द रोल ऑफ अ वॉच डॉग, गवर्नमेंट प्ले द रोल ऑफ अ वॉच डॉग। गवर्नमेंट जो रोल प्ले कर रहा है दैट इज अ रोल ऑफ अ वॉच डॉग एंड होल कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एंड होल ऑफ द कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सारे का सारा कंट्रोल किसके हैंड्स में होता है? डिमांड और सप्लाई के हाथ में। मतलब व्हाट डू यू कॉल इट? प्राइस मैकेनिज्म। हम इसको क्या बोलते हैं बच्चे? प्राइस मैकेनिज्म बोलते हैं। इज दैट क्लियर? सो बच्चे लेट्स सी अबाउट द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज डिफाइंड एज वन इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स एंड इंडिविजुअल्स आर फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजंस एज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और इनका जो मेन एम होता है वो क्या होता है बच्चे? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कल मैंने आप लोगों को इनके डिफरेंसेस भी करवाए थे, आई विल बी सेंडिंग यू दैट, मैंने आपके प्रिंटआउट्स भी अभी दे देती हूँ। नेक्स्ट इज व्हाट फीचर्स, व्हाट वर द फीचर्स हियर? देयर इज अ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। आप सबको पता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइवेट ओनरशिप? मतलब आप लोग अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को हैंडल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बाकी इकोनॉमीज में नहीं कर सकते, बाकी इकोनॉमीज में भी कर सकते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी तो ज़्यादातर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरह ही होती है, लेकिन सोशलिस्ट के अंदर हम लोगों को अगर प्राइवेट प्रॉपर्टीज को हैंडल करना है तो वी हैव टू टेक अप द प्रायर परमिशन। इज दैट क्लियर? और बहुत हाई अमाउंट की प्राइवेट प्रॉपर्टीज हम हैंडल नहीं कर सकते। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज इन अ मैनर सच दैट द प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड। बच्चे यहाँ पर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए और कितना, ये सब किसके ऊपर गाइडेड होते हैं? ऑल दे आर गाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा वही गुड्स को आप प्रोड्यूस करोगे, जनरली लग्जरी आइटम्स। कितना ज्यादा मार्जिन आपने अटेन करना है, आप लोग कॉस्ट के अंदर भी मैनेजमेंट करोगे, मतलब हायर आउटपुट प्रोड्यूस करोगे, लेकिन कोशिश करोगे कि लेसर कॉस्ट के ऊपर प्रोड्यूस करें। थर्ड पॉइंट देखते हैं, द रोल ऑफ अ गवर्नमेंट इज लार्जली कन्फाइंड टू द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तभी भी कॉल इट अ लेजिस्फेयर इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे सारे का सारा लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करता है? गवर्नमेंट। एंड डिफेंस ऑफ अ कंट्री को भी गवर्नमेंट ही देखती है। इज दैट क्लियर? इंटरनल मैटर्स को गवर्नमेंट नहीं देखती है, लाइक जो भी प्रॉफिट से रिलेटेड हो गया, व्हाट टू प्रोड्यूस हो गया, फॉर हुम टू प्रोड्यूस हो गया, ये कुछ गवर्नमेंट ने नहीं देखना है। इज दैट क्लियर? फोर्थ पॉइंट लिखो यहाँ पे, कंज्यूमर सोवरेनिटी इज देयर। कंज्यूमर सोवरेनिटी इज देयर। कंज्यूमर सोवरेनिटी, सोवरेनिटी का मतलब समझती हो ना क्या होता है? फ्रीडम। नेक्स्ट बच्चे फिफ्थ पॉइंट लिखो, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड जनरली फॉर द रिच पीपल। फिफ्थ पॉइंट लिखो, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड जनरली फॉर द रिच पीपल। और सेवेंथ पॉइंट भी साइड में लिखना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस इज डायरेक्टेड बाय द मार्केट फोर्सेस। What to produce, how to produce, and for whom to produce is directed by the market forces for profit maximization. Are directed by the market forces for the profit maximization. मतलब सब कुछ market forces, मतलब price mechanism decide करता है, और हर चीज के पीछे इनका motive क्या होता है बच्चे? Profit motive होता है। क्या सबको समझ? Are directed by the market forces. are directed by the market forces
राइट, फॉर द प्रॉफिट मोटिव. बच्चे लेट्स सी द मेरिट्स. व्हेन आई टॉक अबाउट द मेरिट्स, व्हाट इज द फर्स्ट मेरिट? द प्रिंसिपल मेरिट ऑफ द सिस्टम इज दैट इट प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट. किसको प्रमोट करता है? अंडरलाइन करेंगे सारे, सेल्फ इंटरेस्ट. प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज एंड जीडीपी ग्रोथ इज एक्सेलरेटेड. इज दैट क्लियर? ये तीन बेनिफिट्स होते हैं इकोनॉमी को. एंड व्हाट आर दे? एक तो प्रमोट्स द सेल्फ इंटरेस्ट. इज दैट क्लियर? क्योंकि आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा तो सेल्फ इंटरेस्ट तो प्रमोट होगा ही होगा. प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज एंड इवन द जीडीपी ग्रोथ भी इज ऑल्सो एक्सेलरेटेड. हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है. लेकिन बच्चे सबसे बड़ा डीमेरिट यहाँ पर क्या होता है? द डीमेरिट्स आर यहाँ पर इट इग्नोर्स द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. व्हाट इज कलेक्टिव इंटरेस्ट? अंडरलाइन करो और लिखो सोशल वेलफेयर. कलेक्टिव इंटरेस्ट क्या होता है बच्चे? अंडरलाइन करो और लिखो सोशल वेलफेयर. सोशल वेलफेयर को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाता है. ओनली उन्हीं गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा जहाँ पे प्रोड्यूसर को हायर प्रॉफिट्स मिलेंगे. प्रोडक्शन इज डायरेक्टेड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द रिच पीपल. अंडरलाइन दिस पॉइंट. ये भी आप पॉइंट्स में बना सकते हो. यहाँ पे तो पैरा में देख रखा है. फर्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा इग्नोर द कलेक्टिव इंटरेस्ट. फर्स्ट पॉइंट लिख दो. सेकेंड पॉइंट लिख दो, प्रोड्यूस्ड गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विच यील्ड हाई प्रॉफिट. सेकेंड पॉइंट, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विच यील्ड हाई प्रॉफिट. सिर्फ वही गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है जिनसे हम लोगों को हाई प्रॉफिट्स मिले. तीसरा पॉइंट लिखो, प्रोडक्शन इज डायरेक्टेड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द रिच. प्रोडक्शन किसके लिए डायरेक्टेड है बच्चे? टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द रिच. फोर्थ पॉइंट लिखो, द पुअर सफर डेप्रीवेशन. फोर्थ पॉइंट, हमने सिर्फ फोर पॉइंट लिखना है, बाकी सब लिखा हुआ है इसमें. दैट इज लिखा हुआ है सब कुछ. पुअर पीपल सफर डेप्रीवेशन. इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर लास्ट जो कंक्लूडिंग लाइन आ जाएगी वो क्या आ जाएगा? इसको कंक्लूजन देके लिख दो ना. एंड दैट इज व्हाट, ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस. इज दैट क्लियर? व्हाट इज इट? यहाँ पे ग्रोथ नहीं है. ग्रोथ तो है लेकिन सोशल जस्टिस नहीं है. सब कुछ क्या है? प्रॉफिट मोटिव. आई होप इट इज क्लियर. तो डीमेरिट्स के कितने पॉइंट्स बने? चार. सबसे पहले तो इग्नोर द कलेक्टिव एफर्ट. नेक्स्ट इज, जो गुड भी हम प्रोड्यूस करते हैं वो सिर्फ हाई प्रॉफिट्स को यील्ड करने के लिए करते हैं. प्रोडक्शन सिर्फ किसके लिए डायरेक्टेड होती है? ताकि रिच अपने आप को सेटिस्फाई कर सके. चौथा, द पुअर पीपल सफर डेप्रीवेशन. और पांचवा या कंक्लूजन, सोशल इनजस्टिस होती है इकोनॉमी के अंदर. इज दैट क्लियर? तो क्या आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के? लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट इकोनॉमी एंड दैट इज नोन एज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी. बच्चे व्हेन आई टॉक अबाउट द सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी के और नाम लिखो. यू कॉल इट अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. एवरीबॉडी नो डाउन द नेम. एक नाम है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. एक और नाम है इसका एंड वी कॉल इट अ कमांड इकोनॉमी. नो डाउन द अदर नेम. यू कॉल इट अ कमांड इकोनॉमी. इज दैट क्लियर? A socialist economy is one in which there is social, that is collective or public ownership of means of production. आपको पता है क्या होता है? Public ownership of means of production होता है, right? Economic decisions कौन लेता है? Like what to produce, how to produce, for whom to produce. Underline करो बच्चे, central authority of a government. कौन लेता है? Central authority of the government. और central authority of a government क्यों करता है? ताकि वो क्या कर सके? मैक्सिमाइज कर सके सोशल वेलफेयर को. इज दैट क्लियर? अंडरलाइन करो, मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर. इज दैट क्लियर? व्हाट इज द मेन एम हियर? टू मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फीचर्स. व्हाट आर द फीचर्स हियर? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को अंडरलाइन करो, कलेक्टिवली ओन्ड बाय द सोसाइटी और अ होल. एज अ होल कौन पूरा का पूरा यहाँ पर कलेक्टिव ओनरशिप करता है? इट इज बींग बोर्न बाय द सोसाइटी. There is public ownership of means of production. Please underline karo, public ownership of means of production. Is that clear? What is it? There is the public ownership of means of production. Is that clear? Next is, means of production is used in a manner such that social welfare is maximized. Hum yahan pe kisko maximize karne ki koshish karte hain bache? Social welfare ko maximize karne ki koshish karte hain. So underline kar do, social welfare is maximized. Ab third point dekhte hain, direct participation of government in the process of production. यहाँ पे प्रोडक्शन लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हूम टू प्रोड्यूस, कौन चेकआउट करता है? गवर्नमेंट चेकआउट करता है. तो प्लीज अंडरलाइन कर दो,
डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन. रोल ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट मेयरली कन्फाइंड टू लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस. मतलब अब यहाँ पर गवर्नमेंट का काम अकेला लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस का नहीं है, लेकिन ये भी डिसाइड करना है कि गवर्नमेंट क्या प्रोड्यूस करेगा, कितना प्रोड्यूस करेगा और किस स्ट्राटा के लोगों के लिए करेगा. इज दैट क्लियर? सो आई एम जस्ट मेकिंग यू नोट डाउन दीज पॉइंट्स ऑल्सो. फोर्थ पॉइंट लिखो, कंज्यूमर सोवरेनिटी इज नॉट प्रमोटेड. कंज्यूमर सोवरेनिटी इज नॉट प्रमोटेड, मतलब कंज्यूमर्स को कंज्यूमर सोवरेनिटी नहीं है. जितना गुड प्रोड्यूसर मतलब गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगी उतना ही लोगों को मिलेगा, मतलब ज़्यादा वेराइटी यहाँ पर नहीं मिलती है. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू एवरीबॉडी, ऑल दोज हु आर ऑनलाइन? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, येस और नो? हरी अप एंड टेल मी. ओके गुड, लेट्स सी द फिफ्थ पॉइंट नाउ. What to produce? Note down. What to produce? For whom to produce? And how to produce is directed by the government for social welfare. What to produce? For whom to produce? And how to produce is directed by the government for social welfare. ये सब कुछ किसके लिए यहाँ पर directed होता है? Social welfare के लिए directed होता है. Now, bachche, let's see the merits and demerits now. Is that clear? What is the socialist pattern ke merit kya hoga? Bachche, equality is attained. Aap log dekhte ho na ki rich are getting richer, poor getting poorer. Ab yahan par aisa koi situation nahi hota. Rich are getting richer, poor getting poorer, not here. Kyunki yahan par equality hoti hai. Kaun sab kuch distribute karta hai? It is the government who is distributing. तो रिच और पुअर के बीच का गैप बहुत कम हो जाता है यहाँ पे. यहाँ पे ज़्यादातर इक्वालिटी होती है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. सो प्लीज अंडरलाइन इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. अंडरलाइन करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. ग्रोथ प्रोसेस बिकम्स इंक्लूसिव. ग्रोथ प्रोसेस क्या होता है बच्चे? इंक्लूसिव होता है. डू यू नो वॉट इज इंक्लूसिव? इंक्लूसिव का मतलब होता है जहाँ पे हम अपनी कंट्री के अंदर से लेकर ग्रोथ कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? इंक्लूसिव ग्रोथ कर रहे हैं बच्चे. यहाँ पर अंडरलाइन कर अगर आप लिखना चाहते हो इंक्लूसिव को, तो अंडरलाइन करके लिखो सेल्फ ग्रोथ. हम लोग बाहर से चीज़ों को लेकर फिर ग्रोथ को लीड नहीं कर रहे हैं, हम अपनी कंट्री की चीज़ों को ही यूटिलाइज कर रहे हैं और ग्रोथ को लीड कर रहे हैं, जैसे चाइना करता है. अब चाइना के अंदर कितनी ग्रोथ है, लेकिन हमें अगर ग्रोथ करनी है तो हम लोग सारी चीज़ के लिए ना बाहर वाली कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है. इज दैट क्लियर? हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट्स करते हैं, लेकिन चाइना ज़्यादातर एक्सपोर्ट करता है. तो वो सेल्फ ग्रोथ में बिलीव करता है एंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस. और किसके ऊपर बेस होता है बच्चे? सोशल जस्टिस के ऊपर बेस्ड होता है. इज दैट क्लियर? सो बच्चे लेट्स मूव अहेड. व्हाट इज अ डीमेरिट नाउ? द प्रिंसिपल डीमेरिट इज द जीडीपी ग्रोथ remains a slow process. यहाँ पे GDP growth क्या रह जाती? Slow process रह जाती है. This is because production is not directed by the principle of profit maximization. Slow growth इसलिए रह जाएगी क्योंकि यहाँ पे बच्चे सरकार का काम होगा, government का, और government के साथ तो red tapeism लगा होता है. Red tapeism का मतलब समझते हो ना? Slow work. Is that clear? ठीक है. This is because production is not directed by the motive of profit maximization. Instead, it is directed by the principle of equity and justice. So, कौन सा यहाँ पे principle promote होता है? Equity and justice. Please underline. It is owing to this demerit that the socialist economies like Soviet Union and China had to switch over to the market economy. अब आप लोगों को पता है ना कि अब जो जितनी भी हमारी अब socialist economies थी, अब वो एक तरह से ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी चाइना में कुछ हद तक socialism is still there. But they had switched over to the market economy from the controlled economy now. Is that clear? ठीक है, more or less अब ये market economies हैं rather than the controlled economies. Clear or not? तो अब अगर हम लोग अगर reality में देखें तो अभी आजकल हमारे पास कोई भी socialist economy का example नहीं है. Is that clear? Let's try to move ahead. Now we have a last one, and that is what? देखो ये चाय बना रहे हैं, जैसे चाय में चीनी भी डलती है, चाय के अंदर चाय पत्ती भी डलती है, वैसी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जो मिक्सड इकोनॉमी होती है, जिसमें पब्लिक सेक्टर का तड़का भी होता है एज वेल एज यू हैव अ तड़का ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. इज दैट क्लियर? सो दिस मीन्स वी हैव द टू इकोनॉमीज टुगेदर, पब्लिक एंड प्राइवेट, एंड दैट इकोनॉमी इज नोन एज अ मिक्सड इकोनॉमी. इज दैट क्लियर? सो मिक्सड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इज अ
बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्सड इकोनॉमी एंड यू शुड रिमेंबर दैट बेसिकली हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि दिस इज कैपिटलिज्म इन एन ऑक्सीजन टेंट. इज दैट क्लियर? कैपिटलिज्म ज़्यादातर होता है क्योंकि ज़्यादातर सरकार तो कम ही काम करती है लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए, प्राइवेट सेक्टर ही अपनी ग्रोथ के लिए काम कर देते हैं. इज दैट क्लियर? क्योंकि जहाँ पे गवर्नमेंट का नाम आ जाता है वहाँ पे कुछ ज़्यादा ग्रोथ तो गवर्नमेंट करेगी नहीं. इज दैट क्लियर? रेड टेपिज्म और ज़्यादा होता है. सो लेट्स सी टू इट. अ मिक्सड इकोनॉमी इज वन वेयर देयर इज प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर ownership of means of production. Production decisions are governed largely by the principle of profit maximization, but not without the checks and balances of social justice. Very important. So ये line को underline करना है कि productive decisions कौन govern करता है बच्चे? जितने भी productive decisions होते हैं ना, they are governed by the principle of profit maximization, and but not without checks and balances. उनके ऊपर भी checks और balances लग जाते हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है ना वो पॉलिसीज़ बना देती है और उन पॉलिसीज़ के विदिन रहकर ही प्राइवेट सेक्टर को उस फ्रेमवर्क में रहकर ही फंक्शन करना होता है. इज दैट क्लियर? सो बच्चे लेट्स सी व्हाट आर द मेरिट्स नाउ. व्हेन आई टॉक अबाउट द मेरिट्स यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग द सेलियंट फीचर्स ऑफ द मिक्सड इकोनॉमी एज अंडर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज बाय द गवर्नमेंट. अंडरलाइन करो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, देन अंडरलाइन करो ओन्ड, अंडरलाइन करो प्राइवेट एंटरप्राइज, अंडरलाइन करो गवर्नमेंट. इज दैट क्लियर? फर्स्ट लाइन में ये सारे पॉइंट्स हैं. की पॉइंट्स को अंडरलाइन, पूरी लाइन को अंडरलाइन करने की बजाय वर्डिंग्स को अंडरलाइन करा करो. इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज इट? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फिर क्या अंडरलाइन करोगे? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, फिर क्या अंडरलाइन करोगे? गवर्नमेंट. क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्या आ गया? इन द प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन डिसीजंस आर गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्शन डिसीजंस है वो कौन गवर्न करता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. एंड पब्लिक सेक्टर सोशल वेलफेयर रूल्स द रूस्ट. इज दैट क्लियर? लेकिन जब पब्लिक सेक्टर आ गया तो कौन सा वेलफेयर होता है यहाँ पे? सोशल वेलफेयर इज अ मेन थिंग. सो यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखो, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. अब जैसे सड़कें वगैरह हैं वहाँ बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत नहीं होती गवर्नमेंट सेक्टर की. अब तो खैर प्राइवेट सेक्टर को ठेके देने लग गए हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, ये सारा काम गवर्नमेंट ही करती थी. इज दैट क्लियर? राइट? सो यू शुड बी रिमेम्बरिंग कि यहाँ पर मिलकर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों अपनी कंट्री की अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही हैं. फोर्थ पॉइंट देखो बच्चे, लिखो प्लीज यहाँ पे, goods are produced both for the rich and poor. Goods are produced both for the rich and the poor. लिखने की जरूरत नहीं है. Goods are produced both for the rich and the poor. Right? अब एक और पॉइंट लिखो. For whom to produce, how to produce, and what to produce. For whom to produce, how to produce, and what to produce is directed by the private sector for profit maximization. Is directed by the private sector for profit maximization, and also by the government for social welfare, and also by the government for social welfare. आई होप आप लोगों को समझ आ गया ये वाले पॉइंट्स. एंड ऑल्सो बाय द गवर्नमेंट फॉर सोशल वेलफेयर. मतलब गवर्नमेंट और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करती हैं. आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि अगर हमारे को यहाँ पर जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, हम लोगों ने 11th में पढ़ा होगा फ्लोर प्राइस सीलिंग प्राइस, तो फ्लोर प्राइस और सीलिंग प्राइस किसने सेटअप कर दिया? दैट इज बीइंग सेटअप बाय द गवर्नमेंट. वो लोगों को बेनिफिट देने के लिए, लोगों को डिप्रिवेशन और पावर्टी से बचाने के लिए. इज दैट क्लियर? तो सोशल वेलफेयर के हम ब्रैकेट में लिख सकते हो आप लोग, दैट इज फ्लोर प्राइस सीलिंग प्राइस. इज दैट क्लियर? प्लीज नोट डाउन फ्लोर प्राइस सीलिंग प्राइस. फ्लोर प्राइस FLOOR फ्लोर प्राइस, सीलिंग प्राइस CEILING सीलिंग प्राइस एज सेटअप बाय द गवर्नमेंट. बच्चे लेट्स सी द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बच्चे यू शुड बी क्लियर रिगार्डिंग दिस. एंड व्हाट इज दैट? मेरिट की बात कर रहे हैं. एक सेकेंड बेटा, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड हियर. ओके लेट्स टॉक अबाउट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मेरिट्स.
द प्रिंसिपल मेरिट ऑफ द मिक्सड इकोनॉमी इज दैट इट कम्बाइंस द मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट एज वेल एज सोशलिस्ट इकोनॉमी. इसके अंदर मेरिट्स किसके आ जाएंगे, कैपिटलिस्ट के भी और सोशलिस्ट के भी आ जाएंगे. ऑन वन हैंड जीडीपी ग्रोथ रेट को इनकरेज करते हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आ गया यहाँ पे, क्योंकि दे आर फ्री टू फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. लेकिन ऑन द अदर हैंड सोशल जस्टिस पे भी पूरा ध्यान दिया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर है यहाँ पे और गवर्नमेंट सेक्टर तो प्रायोरिटी एरियाज में काम करेगा ही करेगा. और आप लोगों को मैं शुरू से बता रही हूँ कि तीन प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं, ये नोट कर लो, ये पूरे चैप्टर्स में पूरी बुक में ही काम आने हैं. एक होता है एग्रीकल्चर. तीन प्रायोरिटी सेक्टर्स कौन से होते हैं प्लीज नोट डाउन, एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर. एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर, ये तीन हमारे प्रायोरिटी सेक्टर हैं. इन सबको लोन्स दिए जाते हैं बड़े सस्ते रेट के अंदर और यहाँ पर हम लोग सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं. एग्जैक्टली. तो प्रायोरिटी सेक्टर को अपलिफ्ट करने की कोशिश करी जाती है. बच्चे लेट्स सी व्हाट इज अ डीमेरिट हियर. व्हेन आई टॉक अबाउट अ डीमेरिट बच्चे, प्रिंसिपल डीमेरिट इज दैट गवर्नमेंट सेक्टर इज ऑफन इन्फ्लिक्टेड विद करप्शन. प्लीज अंडरलाइन, गवर्नमेंट सेक्टर जहाँ पे होगा तो वहाँ पर क्या होगी, करप्शन होगी. लीडिंग टू वॉट, लो लेवल ऑफ एफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी. आप ये वर्ड भी लिख सकते हो, रेड टेपिज्म. एग्जैक्टली. नेपोटिज्म, ये सब कुछ कहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को, पब्लिक सेक्टर के अंदर. नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद. एग्जैक्टली. जहाँ पे आप अपने रिलेशंस को काम पे लगाते रहते हो. एग्जैक्टली. रेड टेपिज्म, जहाँ पे बहुत ज्यादा स्लो वर्क के साथ काम होता है, स्लोली स्लोली वर्क, एक एक फाइल रिगड़ते रिगड़ते पता नहीं साल लग जाते हैं. क्लियर. इट इज हाँ ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है इट इज पर्टिकुलरली द ब्यूरोक्रेट्स, जो कि अब ये जैसे ऑफिसर्स वगैरह हो गए तो वो ब्यूरोक्रेट्स इजिली तो फंक्शन कर ही नहीं सकते, पॉलिटिशियंस के विम्स पे ही फंक्शन करते हैं. समझ आ गया. इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिशियंस बहुत ज़्यादा होती है इन द ब्यूरोक्रेसी, जहाँ पर वो फंक्शन नहीं कर पाते. लेट्स सी. So it is owing to this demerit that mixed economy are gradually opting for privatization and public enterprises. Privatization of the public enterprises. आपको पता है ना what is privatization of public enterprises known as? इस line को underline कर लिखो, disinvestment. हम इसको क्या बोलते हैं, disinvestment. आपको पता है ना इंडिया ने भी अपने कितने सारे units की disinvestment करी है. So ये disinvestment इसी कारण से हुई है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा red tapeism है, bureaucracy is not leading to function very properly, और इतना ही नहीं nepotism, red tapeism, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा है. अब एक question आता है and that is what is the final outcome of adopting a mixed economy? What is the final outcome of adopting a mixed economy? और ये last line ही answer है. final outcome क्या है कि हम लोग जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग प्राइवेटाइजेशन चाह रहे हैं अपने पब्लिक एंटरप्राइजेस का, क्योंकि पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. एग्जैक्टली. आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स बता सकते हो. और ये कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत सारी हैं बच्चे, यू कैन से रेड टेपिज्म इज देयर, ब्यूरोक्रेटिक लेवल इज देयर, उसके बाद आप बता सकते हो नेपोटिज्म इज देयर, राइट. इन सारे रीजंस के कारण से अब धीरे धीरे हम लोग अपने पब्लिक सेक्टर को क्या करते जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं. एग्जैक्टली. सो दिस इज अ फाइनल आउटकम ऑफ अडॉप्टिंग अ मिक्स्ड इकोनॉमी. आई होप यहाँ तक आपको सारी इकोनॉमीज बिल्कुल क्लियर हो गई हैं. नाउ लेट्स मूव अहेड, लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग. बच्चे पहले तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लॉन्ग पीरियड गोल्स. इज दैट क्लियर. लॉन्ग पीरियड और जो आपके शॉर्ट पीरियड गोल्स होते हैं ये दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन लेट्स सी टू इट. लॉन्ग पीरियड ऑब्वियसली फॉर अ लंबा समय, शॉर्ट पीरियड फॉर अ शॉर्ट पीरियड, जिसको हम जनरली सोचते हैं कि ये हमने अचीव करना ही है. एग्जैक्टली. शॉर्ट पीरियड गोल क्या होगा, यार आज मैं पूरी क्लास अटेंड करूंगा, मैं बीच में से छोड़ के नहीं जाऊंगा, चाहे नेट की प्रॉब्लम हो फिर से रीजॉइन करूंगा. लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव, आई हैव टू गेट गुड मार्क्स इन द बोथ. एग्जैक्टली. सो लेट मी स्टार्ट स्टडिंग राइट नाउ. तो ये शॉर्ट पीरियड और ये लॉन्ग पीरियड का डिस्टिंक्शन हो गया. क्लियर. सो लेट्स सी टू इट. अब हम इसको इसके पर्सपेक्टिव में चेकआउट कर रहे हैं. लॉन्ग पीरियड गोल्स आर कॉमन टू ऑल द फाइव ईयर प्लान्स. इज दैट क्लियर. जितने भी फाइव ईयर प्लान्स है ना उनके लिए ये लॉन्ग टर्म गोल्स ना सेम होते हैं. अब जो 12 फाइव ईयर प्लान जो है ना उनके लिए लॉन्ग टर्म
ये सेम होते हैं. इज दैट क्लियर? ठीक है. दे आर स्टडीड एज कॉमन गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान एज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग. उनको हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग की तरह करते हैं. लेकिन जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं ना, दे आर प्लान स्पेसिफिक. हर एक प्लान का ना अपना अलग अलग गोल होगा. जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर ओरिएंटेड था. सेकेंड 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज को ग्रो करना था. थर्ड 5 ईयर प्लान जो 1961 से कब तक आया था, 66 तक, उसमें हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन करी थी. एनपीके को यूज़ किया था, नाइट्रोजन पोटाशियम एंड फॉस्फेट. इज दैट क्लियर? हाई यील्डिंग वेराइटी फूड प्रोग्राम को फोकस किया था. सो इस तरह से हर एक 5 ईयर प्लान के अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. लेकिन ये सारे हेड किसकी तरफ कर रहे हैं? ताकि एक हम हायर जीडीपी ग्रोथ रेट को अटेन कर सकें, अच्छे लेवल ऑफ नेशनल इनकम को अटेन कर सकें, हायर पर कैपिटा इनकम को अटेन कर सकें. तो ये सारे जितने भी हमारे 5 ईयर प्लान होते हैं, दे आर हेडिंग टुवर्ड्स वन पर्पस. और वो जो एक पर्पस है वो लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव होता है, जिसको हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग भी बोलते हैं. इज दैट क्लियर? सो बच्चे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. डिपेंडिंग अपॉन द ग्राउंड रियालिटीज, ईच प्लान इज डिजाइंड एज अ डिस्टिंक्ट प्लान विद अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. हर एक प्लान के अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. तो हम लोग हर एक प्लान के ऑब्जेक्टिव्स बाद में पढ़ेंगे. पहले हम लोग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं कि हर एक प्लान का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है. हर एक प्लान का नहीं, सारे प्लान्स का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव एक ही होता है. वी ऑल्सो कॉल इट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग. इज दैट क्लियर? राइट. इट मस्ट हाउएवर बी मेड एम्पली क्लियर दैट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान, इज दैट क्लियर, एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग आर नॉट कॉन्ट्रोडिक्ट बट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. बच्चे, चेक, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं चाहे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स एक ही टारगेट को अचीव करने के लिए अटेन किए जाते हैं. इज दैट क्लियर? सो लेट्स सी टू इट. शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स रेफर टू द प्लान टू प्लान स्ट्रैटेजी विद अ व्यू टू अचीविंग द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग और द कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान. मतलब हम हर एक प्लान में अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं ताकि हम अपना लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें. इज दैट क्लियर? Why should the plans have goals? Very important question. कि plans के goals क्यों होते हैं? बच्चे, अगर goals नहीं होंगे तो कोई planning नहीं होगी. ये first line है, इसके ऊपर star दे दो पहले तो question के ऊपर, और first line को underline कर दो. अगर goals नहीं है तो कोई planning नहीं है, कोई planning नहीं है तो production नहीं है, production नहीं है तो income नहीं है, income नहीं है तो output नहीं है, output नहीं है तो employment नहीं है. तो सारे सेक्टर्स हमारे इफेक्टेड हो जाएंगे. इज दैट क्लियर? तो अगर आपको ग्रोथ करनी है, इकोनॉमी को डेवलप करना है, तब हमारे को एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है ताकि हम अपने अपने सेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें. विदाउट गोल्स देयर इज़ नो प्लानिंग. इनफैक्ट प्लानिंग इज डिफाइंड एज अ स्ट्रैटेजी दैट डिफाइंस हाउ टू एलोकेट द कंट्री स्केस रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूजेस विद अ व्यू टू स्पेसिफाइंग अ गिवन सेट ऑफ गोल्स. These goals often relate to growth and social justice. आज अगर मैं कहूँ यार, आज ना मैं आपको ना इसमें से पढ़ाऊंगी इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 10. कल मैं कहूँ यार चैप्टर नंबर 10 तो बीच में छोड़ो, बड़ा गंदा सा चैप्टर है, लेंदी सा चैप्टर है, आज मैं चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगी. फिर मैं कहूँगी नहीं यार, ये भी बहुत बोरिंग है, ये नहीं मुझे पढ़ाना, मैं तो आज आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी. क्या आप कुछ पढ़ पाओगे? नथिंग. मेरे पास तो कोई प्लानिंग ही नहीं थी आपको बताने के लिए, कुछ मैं ढंग का करा ही नहीं रही. बीच बीच में से करवा रही हूँ, एंड में पता लगेगा सबकी खिचड़ी पक गई और मैम ने कुछ कराया ही नहीं. इज दैट क्लियर? तो ऐसा नहीं होना चाहिए. हम लोग जब कंट्री के लिए प्लानिंग करते हैं ना, चाहे आप अपनी लाइफ के लिए करो चाहे कंट्री के लिए करो, सब कुछ प्लान करके करना चाहिए. प्लान करेंगे तभी गोल्स बनेंगे, गोल्स बनेंगे तभी जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं को सामने में रखते हुए आप अपने लिए प्रोग्रेस करोगे. इज दैट क्लियर? अब आप जब टेंथ में थे, आपने प्लानिंग कर ली थी यार हमें तो कॉमर्स लेना है, कॉमर्स ले लिया या आर्ट्स ले ली, वट एवर, तो अब आगे के लिए प्लानिंग भी तो तैयार है ना कि हमने या तो CA करनी होगी, या कोई सोचेगा यार मैं तो आज से ही IAS की प्रिपरेशन करना शुरू करना है. सो यू हैव योर सेट गोल्स इन फ्रंट ऑफ यू. And these goals are basically heading to you towards your progress, towards your target point. Is that clear? ठीक है ना? So इसीलिए हमें goals को लेकर चलना है. जब goals होंगे तो हमारे पास जो limited resources हैं उन्हीं resources को use करते हुए हम लोग growth की तरफ जाएंगे और growth को achieve करने की कोशिश करेंगे.
सो दीज गोल्स ऑफन रिलेट टू ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस. इज दैट क्लियर और नॉट? क्या आपको समझ आ गया? तो आपके लाइफ के अंदर अगर आपके सपोज करो रिसोर्सेज हैं, कोई कहते हैं यार मैंने तो बाहर जाना है, तो बाहर जाना है तो अभी से वो 50 लाख की पहले FD जुटाना शुरू कर देते हैं. कितनी FD तो मेरे पास होनी चाहिए कि मुझे बाहर जाना है. तो लिमिटेड यूज ऑफ रिसोर्सेज इन सच अ मैनर सो दैट यू कैन अटेन योर टारगेट्स इन योर लाइफ. इज दैट क्लियर? सो दिस इज पर्टिकुलरली नोन एज व्हाट? प्लान्स. एंड प्लान्स तभी पॉसिबल हैं अगर आपके पास आगे कुछ ना कुछ गोल्स है. विदाउट गोल्स प्लानिंग इज ऑल्सो नॉट देयर. इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे लेट सी द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स और यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्लान्स देखते हैं. बच्चे जब हम लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे पास फर्स्ट क्या आता है? एक बात बताऊँ, बजट पढ़ा था एवरीबॉडी? यस, बजट वाला लेसन हमने पढ़ा हुआ है. तो बजट वाले जो प्लान्स थे ना, वही सेम प्लान्स यहाँ पर भी आएंगे. एक याद रखना बात. इज दैट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया? GDP ग्रोथ. वॉट इज GDP ग्रोथ? जब हमने GDP को ग्रो करना है इकोनॉमी के अंदर, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाना है हमारी इकोनॉमी के अंदर. सो दैट इज पर्टिकुलरली नोन एज वॉट? द आउटपुट के लेवल को बढ़ाना. अब अच्छा यहाँ पर एक लिंक आ गया. ये लिंक एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में दे रखा है, इसको प्लीज नोट डाउन करना है. आउटपुट इंक्रीजेस, फिर एरो लगाओ इनकम इंक्रीजेस. पहले लिखो आउटपुट इंक्रीजेस, लिखो लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है साइड पे. आउटपुट इंक्रीजेस, फिर नीचे की तरफ एरो लगाओ इनकम इंक्रीजेस, फिर नीचे की तरफ एरो लगाओ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, फिर नीचे की तरफ एरो लगाओ इकोनॉमिक ग्रोथ. तो यहां पर भी आपका YQN आ गया. आपका YQ और N कभी पीछा नहीं छोड़ेगा. इज दैट क्लियर? मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी बहुत रिलेटेड है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी भी पूरी हमारी कंट्री की इकोनॉमी है. तो ये YQN से साथ ही जुड़ी हुई है. सो अगर आउटपुट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट का लेवल भी बढ़ेगा. ऑब्वियसली इकोनॉमी के अंदर क्या आएगा? इकोनॉमिक ग्रोथ. और ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये एक्सक्लूसिव होनी चाहिए या इंक्लूसिव होनी चाहिए? एवरीबॉडी, इट शुड बी एक्सक्लूसिव इन नेचर और इंक्लूसिव इन नेचर? एक्सक्लूसिव, यस. तो ये वर्ड्स नहीं छोड़ने हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ. इज दैट क्लियर? सेम बजट वाले पॉइंट्स हैं तो इसीलिए वी कैनॉट इग्नोर देम. सो लेट्स सी टू इट. GDP ग्रोथ देख रहे हैं. इंक्रीज इन GDP इंप्लाइज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन एन इकोनॉमी. इट इंप्लाइज इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी. अब जब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेंगे, इट इज कंसिडर्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट लीड्स टू वॉट? इकोनॉमिक ग्रोथ. दस GDP ग्रोथ लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ इन एन इकोनॉमी. ये यहाँ पर मैंने वैसे साइड में फ्लो चार्ट इसीलिए बनवाया है कि आपको पता लग गया कि अगर आपका आउटपुट बढ़ेगा तो आपकी इनकम जनरेशन बढ़ेगी, इनकम जनरेशन बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो हम लोग ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी करेंगे, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा आउटपुट, ज़्यादा ग्रोथ, फाइनली लीडिंग टू व्हाट? इकोनॉमिक ग्रोथ इन एन इकोनॉमी. इज दैट क्लियर? सो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो इंक्रीज इन GDP ग्रोथ रेट होता है ना, इट पर्टिकुलरली GDP लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ इन एन इकोनॉमी. और अगर कंसिस्टेंट इंक्रीज रहती है, मतलब अगर हम लोग आज भी 10% से बढ़ रहे हैं, कल भी 10% से बढ़ रहे हैं, तो हमारी इकोनॉमी के अंदर लगातार ग्रोथ होती रहेगी ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. इज दैट क्लियर? यू कैन अचीव योर बेटर टारगेट्स देन. इज दैट क्लियर? बच्चे एक चीज का ध्यान रखना है कि दो तरीके हैं जिससे हम अपनी GDP को बढ़ा सकते हैं. अगर आप साइड पे देखोगे तो यहाँ पर एक बॉक्स दे रखा है. एक तो डिस्कवरी ऑफ मोर एंड मोर रिसोर्सेज. इज दैट क्लियर? राइट, जिससे कि हम लोग अपनी कंट्री के रिसोर्स बेस को बढ़ा सकें. और दूसरा है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को यूज़ कर हम लोग नई से नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, नई से नई इन्वेंशंस करते रहें, जिससे कि हमारा प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ आउटपुट बढ़ जाए. इज दैट क्लियर और नॉट? सो बच्चे दिस इज पर्टिकुलरली वॉट? सो इंक्रीज इन GDP डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स. वॉट इज दैट? इंक्रीज इन द रिसोर्स बेस ऑफ अ कंट्री. और दूसरा क्या है? इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी और आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट्स थ्रू द इनोवेटिव टेक्नोलॉजी. सो प्लानिंग इन इंडिया किसके लिए इंश्योर होनी चाहिए? कि नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करो कि फुली हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकें, अच्छी टेक्नोलॉजी को कंटिन्यूसली यूज करें, जिससे कि हमारा GDP का ग्रोथ रेट फुल मोमेंटम के साथ आगे बढ़ता रहे. इज दैट क्लियर और नॉट? इज दिस पॉइंट फुली क्लियर टू एवरीबॉडी?
और यहाँ पर एक पॉइंट स्टार दे के लिख लो, इंक्लूसिव ग्रोथ शुड बी फेवर्ड, इंक्लूसिव ग्रोथ शुड बी फेवर्ड। हमने कौन सी ग्रोथ को फेवर करना है बच्चे? इंक्लूसिव ग्रोथ शुड बी फेवर्ड। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर रिगार्डिंग द फर्स्ट पॉइंट? लेट सी द सेकेंड पॉइंट नाउ, एंड विच इज योर सेकेंड पॉइंट? फुल एम्प्लॉयमेंट। लेट सी द फुल एम्प्लॉयमेंट बच्चे। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब पता है ना क्या होता है? दैट मीन्स ऑल दोज लोग जो काम करना चाहते हैं उन लोगों को काम मिल रहा है। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? नो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी देयर, अगर हो सॉरी नो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी देयर, अगर होगी तो सिर्फ वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, जो लोग खुद से काम नहीं करना चाह रहे। क्लियर? सो फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एंड आर एबल टू वर्क एट अ मार्केट वेज रेट आर गेटिंग द वर्क। ब्रैकेट में लिखो मोर एंड मोर जीरो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, मोर एंड मोर जीरो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है? जीरो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री को तो समझते हो ना? इनवॉलेंट्री का मतलब होता है कि जब लोगों को काम नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर तो जीरो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब कोई भी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट देयर इन अवर कंट्री। कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है, और वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को आप लोग कंसिडर नहीं करते। इज दैट क्लियर? In other words, who are able to work and are willing to work must get work. It is a social objective of planning. Please underline. कौन सा objective है? Social. Social objective का मतलब क्या होता है? Equality. तो यहाँ पर equality के basis पे यहाँ पर काम मिल रहा है, सर किसी को काम मिल रहा है, ठीक है। This objective of full employment focuses on inclusive growth. Again, कहीं पे भी है तो inclusive growth ने पीछा नहीं छोड़ना, GDP के अंदर भी inclusive डाल देना, यहाँ पर भी inclusive डाल देना। This means more and more people should participate in the process of growth. Benefits of growth should be shared across wider sections of a society. क्योंकि हर किसी को काम मिल रहा है. It amounts to achieving growth with social justice. Underline करो, growth with social justice. Again, I am telling you, long period goals के अंदर भी अगर आप लोगों को पूछेंगे बच्चे, तो ये चार नंबर का एक question पूछ सकते हैं कि how is full employment an objective of long period objective? Of growth, is that clear? या long term objective कैसे है हमारी planning period का, तो आपको ये सारा explain करना पड़ेगा। Okay, यहाँ पर दे भी रखा है full employment does not mean a period of zero unemployment। आपको पता है full employment by no means should be considered as a situation of zero unemployment, ये आप already कर चुके हो। In an economy there is always some natural rate of unemployment। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो कोई ना कोई एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगी, क्योंकि कई लोग फ्रिक्शनली या स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड होंगे, कई लोग खुद से काम नहीं करना चाह रहे होंगे। इज दैट क्लियर? स्ट्रक्चरल चेंजेस बाय एंड लार्ज आर रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अब जब कंप्यूटराइजेशन हुआ था तो कई लोग तो काम ही नहीं जानते थे कंप्यूटर का, तो वो कुछ समय के लिए जब तक उन्होंने ट्रेनिंग्स नहीं ले ली ना, वो अनएम्प्लॉयड रेंडर हो गए थे। तो दैट वॉज नोन एज अ स्ट्रक्चुरल अनएम्प्लॉयमेंट। इज दैट क्लियर? जब तक वो अपने को नई चीज में ढाल नहीं लेते हैं, तब तक वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, तो दैट इज स्ट्रक्चुरल अनएम्प्लॉयमेंट। इतना ही नहीं, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रक्चुरल इज कंसिस्टेंट विद द सिचुएशंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ये एग्जिस्ट करती ही करती है इवन एट फुल एम्प्लॉयमेंट। ब्रैकेट में लिख लो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ओके बच्चे, लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इन इक्विटी और इक्विटी। व्हाट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन? रिच और पुअर के बीच में कम से कम गैप होना, बेनिफिट्स देना रिच पीपल को, सॉरी पुअर पीपल को, और रिच को ज़्यादा टैक्सेस देना। तो यहाँ पे आप टैक्सेस और सब्सिडीज वाला पॉइंट दे सकते हो, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दे सकते हो। लेकिन इक्वल पे और इक्वल वर्क का ये मतलब नहीं हो जाएगा बच्चे कि हर कोई खड़ा होगा कि हमारी एबिलिटी तो है ही नहीं, फिर भी हमें इनके बराबर की पे करो। एग्जैक्टली, एक सीए एक लेबर है, वो सीए के बराबर उठ के लेबर कहेगा जी मुझे तो सीए जितनी पे दो, क्या ऐसा पॉसिबल है? नो।
इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का मतलब होता है कि एबिलिटी के अकॉर्डिंग पेमेंट्स मिलना. अगर आप में एबिलिटी ज़्यादा की है तो आपको अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगी. इसका एक क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको कल करवाऊंगी. आज सिर्फ मैं ये पॉइंट थोड़ा आपको समझा रही हूँ. व्हाट इज इट नाउ? इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बिकम अ मीनिंगलेस एक्सरसाइज इफ इट बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ एक्रू ओनली टूवर्ड्स सम हैंडफुल ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी. अगर कुछ लोगों को इसका ग्रोथ मिले तो इसीलिए हमारे को क्या करना पड़ता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, मतलब इनकम और वेल्थ का, जिससे कि गैप रिच और पुअर के बीच में क्या होता जाए, कम होता जाए. सो ग्रोथ सर्व्स वर्चुअली नो पर्पस इन अ सोसाइटी वेयर रिच टेंड टू बिकम रिचर एंड वेयर पुअर कंटिन्यू टू स्ट्रगल इवन फॉर द एसेंशियल्स ऑफ लाइफ. सो बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ मस्ट स्प्रेड अक्रॉस ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी सो दैट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल हो जाए. क्या हो जाए हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बच्चे? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए. सो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इम्प्लाइज सोशल इक्वालिटी. अंडरलाइन करो ये वर्ड्स. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो क्या होगी इकोनॉमी के अंदर? एक सोशल इक्वालिटी होगी. एंड दिस इज अ प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया. इज दैट क्लियर? चलो करा ही देती हूँ नेक्स्ट टॉपिक भी, ये पूरा खत्म हो जाएगा. एक सेकेंड है. अच्छा चलो ठीक है, कल कर लेंगे, कल ये खत्म कर लेंगे. आज हम लोगों ने कितने पॉइंट्स किए, अभी छोड़ के मत जाना, अभी रही रहना. आज हम लोगों ने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स किए और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट पॉइंट क्या था? जीडीपी ग्रोथ. सेकंड पॉइंट क्या था? फुल एम्प्लॉयमेंट. थर्ड पॉइंट क्या था? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी. एंड डू रिमेंबर बजट के ये तीन पॉइंट सेम मिल रहे हैं. इज दैट क्लियर? तो इसीलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यू कैन ईजिली टेक इट अप. ये पॉइंट्स फुल एम्प्लॉयमेंट वाला भी आप पहले भी कर चुके हो, जीडीपी ग्रोथ रेट तो अभी तक आप ये करते ही आ रहे हो, अब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी भी आपको पता है कि गैप रिच और पुअर के बीच में कम करना है. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ वाला पॉइंट है ये. इज दैट क्लियर? बस इसको थोड़ा सा एंगल डिफरेंट लेके हमने एक्सप्लेन करना है. नाउ आई थिंक आई एम गोइंग टू वाइंड अप. बच्चे ऑल दोज हु वर देयर ऑनलाइन, क्या आप लोगों को क्लियर